चुनाव का बिगुल बज गया है और रणबांकुरे अपने रण में जीत के लिए उतर चुके हैं। विकास के लाखों दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब कुछ सांसदों के सीटों पर विकास सवालों के घेरे में आ गया है। दरअसल आजादी के कई सालों बाद भी कुछ गांव देश में आज भी ऐसे हैं जहां तक विकास की बयार आज भी नहीं पहुंची है, और भी कुछ लोगों द्वारा आज भी विकास की बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम आपको दो राज्यों की तीन जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की अमेठी जिले की है, दूसरी तस्वीर यूपी के महोबा की है, और तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। तो पहले अमेठी की बात करते हैं, तो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दो बार की सांसद है, और फिर तीसरी बार अमेठी से स्मृति ईरानी चुनावी रण में उतरी है। विकास के जिस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 2014 के रण में पटखनी दी थी, वो मुद्दा था विकास। लेकिन आज भी अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक के भवानीपुर मजरे भावसिंहपुर गांव में विकास की बयार नहीं पहुंच पाई है। गांव में आजादी के 75 साल बाद भी रोड ना होने से विकास रुक गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने इस बार गांव में काले झंडे और पोस्टर लगा दिए हैं, जिस पर साफ शब्दों में लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। अब बात करते हैं महोबा की। महोबा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल मौजूदा सांसद हैं, और तीसरी बार भी बीजेपी ने उन पर ही उम्मीद जताई है। लेकिन महोबा के कुलपहाड़ तहसील के ग्राम सिगौन के लोग आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। गांव में रोड ना हो और रोड ना होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार पर भी असर पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सड़क ना होने के कारण कोई उन गांव में अपनी बेटी ब्याहने को तरस तैयार नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद कर दिया है। अब आते हैं तीसरी तस्वीर पर। तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। यहां से रेणुका सिंह बीजेपी के सांसद थी, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में इस्तीफा दे दिया था। तब से ये सीट खाली थी, और इस बार बीजेपी ने चिंतामणि महाराज को चुनावी रण में उतारा है। बलरामपुर का एक गांव है जहां आजादी के 75 साल बाद भी विकास की बयार नहीं पहुंच पाई है। बलरामपुर के जवाहरी के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, जिससे परेशान होकर लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है और रोड नहीं तो वोट नहीं के स्लोगन दीवारों पर लिख डाले हैं। तो तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अमेठी से है, जहां से स्मृति ईरानी मौजूदा सांसद है। तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के महोबा की है, और तीसरी तस्वीर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर की है। तीन तस्वीरें आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी ये कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर अभी भी विकास की बयार नहीं पहुंच पाई है। अब यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज का विरोध करना शुरू कर दिया है और अपने क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार का बोर्ड लगा दिया है, पोस्टर्स लगा दिए हैं, पैम्पलेट्स लगा दिए हैं, और लोगों का यही कहना है कि जब तक उनके गांव का, उनके क्षेत्र का विकास नहीं होगा, तब तक वो चुनाव का यहाँ बहिष्कार करेंगे। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के पैम्पलेट्स लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, और लोग लगातार विकास की मांग कर रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से दूर हैं, कहीं रोडे नहीं हैं, कहीं जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो नहीं है। ऐसे में इन गांवों के ग्रामीण लगातार इस चीज की आवाज बुलंद कर रहे हैं, और रोड नहीं या विकास नहीं तो वोट नहीं का उन्होंने अब की बार ऐसे बैनर्स लगाए हैं, और ग्रामीणों का यही कहना है कि अगर क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो वो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार अमेठी से लाइव जुड़ चुके हैं।
संजय, जिस तरह से अमेठी से कुछ तस्वीरें अभी बीते दिनों आई हैं, जिसमें अमेठी का एक गांव है जहां विकास नहीं हुआ है, लोग जो है परेशान है और लोगों ने अब की बार इस चीज का ऐलान कर दिया है कि अगर विकास नहीं होगा, रोड नहीं होगी, तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी है और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही चुनावी रण में उतारा है। संजय, रिया जी आपको बता दें कि अमेठी का एक ब्लॉक है संग्रामपुर, जहां पर एक गांव ग्राम सभा है जिसका नाम भवानीपुर है, भौसिंगपुर में। वहां पर जो ग्रामीण हैं उन्होंने अपने घरों में काले झंडे लगाते हुए एक बोर्ड लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और उनके उनके द्वारा अब की बार जो 2024 के लोकसभा चुनाव का जो मतदान है उसका बहिष्कार किया जा रहा है। और यदि जानकारी के लिए आपको बता दें, अमेठी का कोई ये पहला मामला नहीं है जी। इससे पहले दो मामले और भी जामो थाना क्षेत्र से आ चुके हैं, जहां पर गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था, जिसके बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव होता है और उसके बाद उनकी समस्याओं का समाधान करता है। तो कहीं ऐसे में ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक तरफ जहां शासन प्रशासन लगातार मतदान बढ़ाने की बात कर रहा है, वहीं पर दूसरी चीज है कि जो गांव है जहां पर आने जाने की बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां पर लोग जो है मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं पर ग्रामीणों से जब बात किया गया तो ग्रामीणों ने कहा कि जब हमारे गांव में रोड नहीं है तो हम अपना विकास कैसे करेंगे, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे हम वंचित हैं, और अगर अगर हमारी हमारी समस्याओं का समाधान इस लोकसभा चुनाव में नहीं किया जाता है तो यही लोकसभा नहीं, इसके बाद जो भी जितने भी वोटिंग का मौका आएगा, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, और चाहे ग्राम स्तर पर जो प्रधानिका है, वो सारे चुनावों का बहिष्कार वो ग्रामीण करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार ये जो ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, अब देखना ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अमेठी का जो प्रशासन है वो लगातार मतदान बढ़ाने की बात कर रहा है, ऐसे में इन ग्रामीणों को समझा बुझा के कैसे 2024 की इस लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए राजी कर पाता है। जी रिया जी। जी संजय, आऊंगी आपके पास, एक बार मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। मनोज, बलरामपुर से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई जहां पर जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हैं, चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। मनोज जी, रिया बिल्कुल, रिया आपको बता दें कि अब छत्तीसगढ़ के सिर्फ बलरामपुर की ही बात न करके और भी छत्तीसगढ़ में कई ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाओं से देश के आजाद हुए 75 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अपेक्षाओं का शिकार आज भी कई गांव ऐसे हैं कि जहां पर रोड, पानी, बिजली जो ग्रामीणों के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उनसे वो वंचित है। और लगातार एक तरफ प्रशासन ये दावे करता है कि मतदान जागरूकता को लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करती है, इवेंट करती रहती है, लेकिन जमीनी हकीकत देखने को कुछ और बयां करती है। जी जी मनोज, जो जिस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उन्होंने जब चुनाव बहिष्कार की बात कही है, पैम्पलेट्स लगाए हैं, पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, तो क्या प्रशासन का कोई अधिकारी अब तक आया है उनको कुछ आश्वासन देने? क्या बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वहां पे पहुंचे हैं? जी रिया, आपको बता दें कि अभी उन ग्रामीणों से किसी भी न राजनीतिक पार्टियां कोई उनसे संपर्क कर पाई, न कोई प्रशासन अधिकारी या प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने अभी तक उनके पास नहीं पहुंच पाया है। जी ठीक है मनोज, आऊंगी आपके पास। एक बार महोबा से हम चलते हैं। महोबा, महोबा से हमारे साथ शारिक जुड़े हुए हैं। शारिक, जिस तरह से महोबा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, कई सारे ऐसे गांव हैं जो विकास से वंचित रह गए हैं, वहां के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो लगातार विकास की मांग कर रहे हैं, और अब की बार क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए उन्होंने बहिष्कार की बात करी है। मनो जी बिल्कुल, करीब 50 जी शारिक और सड़क पर यहाँ पर है नहीं, ग्रामीणों के द्वारा इस मतदान को लेकर पूरी तरह से विरोध किया गया है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब तक सड़क नहीं तो वोट नहीं। बताते चलें कि दो बार से सांसद पुष्पेन सिंह चंदेल भाजपा से हैं और तीसरी बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट दिया है, और इसके पहले मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती भी इस क्षेत्र से विधायक रह चुकी है, और ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों को उदासी है कि बड़े बड़े नेता यहाँ से इस क्षेत्र से नेता प्रतिनिधि बन के चुने जाते रहे, लेकिन उनके द्वारा किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाया गया। और सबसे बड़ी यहाँ पर जो परेशानी है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की है। यहाँ पर बच्चों को जब बरसात हो जाती है तो बच्चों को घुटनों तक पानी आ जाता है और सड़क पर उन्हें ऐसे ही जाने पड़ता है, जिसमें खासतौर पर शिक्षा के लिए उन्हें परेशानी होती है। तो वहीं जो नव युवक है उन्हें कोई शादी के रिश्ता लेकर कोई आता नहीं है। दूसरे आदमी गाँव के कहते हैं कि यहाँ पर जब सड़क ही नहीं तो वह अपनी बेटी ब्याह कर यहाँ क्या करेंगे। खास तौर से युवाओं के लिए परेशानी यही है, और आधे से ज्यादा युवा आज भी उस गांव में कुंवारा बैठा हुआ है। और वहीं
अगर शारिक, तो क्या अभी तक किसी भी प्रतिनिधि ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने समस्या का संज्ञान लिया है, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश की है? जी, किसी ने अभी तक बात करने की कोशिश नहीं की। इससे पहले कई नेताओं के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो किसी भी नेता उस गांव का रुख नहीं करते। भले अधिकारियों के द्वारा ग्रामीणों से बात की गई है और कहा गया है कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, और अगर आचार संहिता की वजह से अगर जो कार्य नहीं हो पा रहे तो आचार संहिता के बाद उनका कार्य पूरा किया जाएगा, और उनकी जो भी बात है प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि वह पूरी बात मानी जाएगी। बिल्कुल शारिक, तो लगातार सरकार जो है कई सारे विकास के दावे करती है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जो विकास से काफी कोसों दूर है। अब ऐसे में जो ग्रामीण है वो बढ़ चढ़कर सामने आ रहे हैं और अब की बार चुनाव बहिष्कार का जो है उन्होंने ऐलान किया है। संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शारिक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये मांग कर रहे हैं कि यार कम से कम 50 साल हो गया इसकी कोई सुनाई नहीं करता है, वोट ले लेते हैं लेकिन रोड का गुंडा आ जाता है, और हमको आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 12 साल हो जाती है तो कभी हमको पैदल आने हैं, जैसे कोई साधन से कहा तो बोले भाई हम न ले जाएंगे, वहाँ से हमारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी, तो हमारी स्थिति यहाँ से रोड की बहुत ख़राब है। इसलिए हमको जोन प्रत्याशी मान लो पार्टी हमको रोड डालेगी उसको वोट देंगे। हमारी पूरे गाँव की यही मांग है कि पहले रोड और फिर बाद में वोट। हमने सबको सुना लिया, मान लो सांसद जी को, विधायक जी को, कोई सुनते ही नहीं है हमारी, जब से हम हमारे खबर कम से कम 50 साल के हो गए। पहले रोड चाहिए अपन को, शादी शादी आदि होती है तो दिक्कत पड़ती है बहुत आने जाने में, और शादी मतलब आते हैं देखते हैं रोड तो भाग जाते हैं, वहीं दौरिया से लौट जाते हैं, यहाँ आते नहीं हैं, रोड खराब है इसलिए मतलब आते नहीं हैं वो लोग। अच्छा, क्या कहते हैं संबंध वाले आते हैं तो? वो इसलिए कहते हैं कि वो रोड ख़राब है, रोड हमको सही चाहिए, रास्ता सही नहीं है, इसलिए वो वहीं से लौट जाते हैं। यही मांग है हमारी कि रोड डरना चाहिए। पहले विधानसभा चुनाव से पहले हम लोग आवेदन लगाए थे कलेक्टर महोदय को और बिजली के लिए और रोड के लिए लगाए थे DFO साहब को बलरामपुर में, तो बोले थे कि बहिष्कार मत करो, इस बार 2 महीना के बाद चुनाव बीतने के बाद आप लोग को समुचित व्यवस्था दिया जाएगा, रोड भी बना दिया जाएगा और बिजली भी लगवा दिया जाएगा बोले थे। और नेता लोग बोले थे, धीरज सिंह देव, रामविचार नेताम, दिलीप सोनी मंडल अध्यक्ष यहां पर आए थे, तो बोले थे कि डबल इंजन का सरकार बनेगा तो सब विकास हो जाएगा, एक चुटकी बजाते हो जाएगा। लेकिन मैं सोच कह रहा हूँ कि क्या डबल इंजन का तो बन गया, क्या ट्रिपल इंजन बनेगा तब विकास होगा? ट्रिपल इंजन कब बनेगा मैं यही पूछना चाहता हूँ कि डबल इंजन का तो बन गया, ट्रिपल इंजन कब बनेगा कि हम लोग का विकास?